Assalamualaikum, it's me Shaista and welcome back to my YouTube channel Shaista Sheikh. जहाँ previous video में मैंने सूरह अल बकरा part 4 हिंदी तर्जुमा बताया था, आज मैं सूरह अल बकरा part 5 हिंदी तर्जुमा बताऊंगी। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग पहले मेरे previous video को जरूर देख ले ताकि आपको starting से समझ आ जाए कुरान का हिंदी तर्जुमा। मेरे वीडियो को एट द एंड तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आपकी ओपिनियन हो कुछ मेरे वीडियो के लिए या मेरे वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर न्यू वीडियो द फिफ्थ पार्ट ऑफ सूरह अल बकरा पार्ट 5। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयावान है। या बनी इसराइल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين। ऐ बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने पहले तुम्हें दी, और ये भी तो सोचो कि हमने तुमको सारे जहान के लोगों से बड़ा दिया। वत्तकु यौमल ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा सुफ़ातन वला युफ़ज़ु मिन्हा अदलन वला हुम। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से ना फिदाए हो सकेगा और ना उसकी तरफ से कोई सिफारिश मानी जाएगी और ना उसका कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना वो मदद पहुंचाए जाएंगे। وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हें तुम्हारे बुजुर्ग को फिरौन के पंजों से छुड़ा जो तुम्हें बड़े बड़े दुख दे के सताते थे, तुम्हारे लड़कों पर छड़ी फेरते थे और तुम्हारी औरतों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारी परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे सब्र की सख्त आजमाइश थी। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَخْرَجْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ। वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को टुकड़े टुकड़े किए, फिर हमने तुमको छुटकारा दिया। وَإِذَا أَدْنَى مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ। और फिरौन के आदमियों को तुम्हारे देखते देखते डुबो दिया। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वायदा किया था और तुम लोगों ने उनके जाने के बाद एक बछड़े को परस्तिश के लिए खुदा बना लिया। सुम्मा अफौना अंकुम मिन बादी ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। हालांकि तुम अपने ऊपर जुल्म जोत रहे थे, फिर हम ने उसके बाद भी दरगुजार की ताकि तुम शुक्र करो। وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ। और वो वक्त भी याद करो जब मूसा को तौरात अता की और हक और बातिल को जुदा करने वाला कानून इनायत किया ताकि तुम हिदायत पाओ। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتَوْبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ।
और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपने कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को खुदा बना के अपने ऊपर बड़ा सख्त जुल्म किया, तो अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो, और वो ये है कि अपने को कत्ल कर डालो। तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक तुम्हारे हक में ये सही बेहतर है, परवरदिगार के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर जब तुमने ऐसा किया तो खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बड़ा मेहरबान माफ करने वाला है। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَمَعَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ और वो वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि ऐ मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान ना लाएंगे जब तक हम खुदा को जाहिर बजाहिर ना देख ले। उस पर तुम्हें बिजली ने ले डाला और तुम ताकते ही रह गए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद हमने जिला उठाया ताकि तुम शुक्र करो। वज़ल्लना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ وَمَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ और हमने तुम पर अबर का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा और ये भी तो कह दिया था कि जो सुथरी व नफीस रोजियां तुम्हें दी है उन्हें शौक से खाओ, और उन लोगों ने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं मगर अपनी जानों पर सितम ढाते रहे। وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقُرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुमसे कहा कि इस गांव अरिहा में जाओ और इसमें जहां चाहो परगास से खाओ पियो और दरवाजे पर सजदा करते हुए और जबान से हित्ता बख्शिश कहते हुए आओ, तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और हम नेकी करने वालों की नेकी सबब बढ़ा देंगे। فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا خَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ तो जो बात उनसे कही गई थी उसे शरीरों ने बदल कर दूसरी बात कहनी शुरू कर दी, तब हमने उन लोगों पर जिन्होंने शरारत की थी उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाजिल की।